गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि GSTR 10 फाइनल रिटर्न से रिलेटेड है। जी हां फ्रेंड्स, काफी लोगों की ये क्वेरीज आती हैं कि फॉर्म GSTR 10 किनको भरना है और किनको नहीं भरना, क्या कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को GSTR 10 फाइल करना है या नहीं करना। आज मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि GSTR 10 कब और किसे फाइल करना है। लेट स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे GSTR 10 किसे फाइल करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ सके कि GSTR 10 एक्चुअली भरना किसको है और वो कब भरना होता है। GSTR 10 को भरने के लिए जो प्रोविजंस दिए गए हैं GST एक्ट के अंदर, वो दिया गया है सेक्शन 45 के अंदर। सेक्शन 45 बात करता है फाइनल रिटर्न की। फाइनल रिटर्न का मतलब क्या होता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि GST में है, who is required to furnish a return under subsection 1 of section 39। मतलब section 45 का जो final return है, वो किसे भरना है? वो उसे ही भरना है जिसको कि section 39 subsection 1 के अंदर return भरने की अनुमति दी गई है, या फिर जो बंदा section 39 subsection 1 के अंदर liable है अपनी GST return को file करने के लिए। And whose registration has been cancelled shall furnish a final return within 3 months of the date of cancellation or the date of order of cancellation, whichever is later, in such form and manner as may be prescribed। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ये बताया गया कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंदर लाइबल है जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने के लिए और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, उस सिचुएशन में जिस दिन उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ या जिस दिन उसका कैंसिलेशन ऑर्डर आया, दोनों डेट में से जो बाद की डेट आएगी उस डेट के 3 महीने के भीतर भीतर आपको GSTR 10 के अंदर फाइनल रिटर्न फाइल करना है। अब GSTR 10 की बात क्यों निकल के आती है? यहाँ पे बताया गया इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये जो है रूल्स में दिए गए हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाइनल रिटर्न के लिए जो रूल 81 है उसके अंदर क्या बातें बताई गई है। अगर आप देखें तो जीएसटी रूल का जो रूल 81 है फाइनल रिटर्न, ये बात करता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन required to furnish a final return under section 45 shall furnish such return electronically in form GSTR 10 through the common portal either directly or through a facilitation center notified by the commissioner। मतलब यहाँ पर साफ साफ ये बताया गया कि जो registered person liable है अपनी GST की final return भरने के लिए under section 45, उसे अपनी final return डालनी है electronically in GSTR 10। यहाँ पर बात clear हो गई कैंसिलेशन के बाद हम लोगों को GSTR 10 भरना है एज पर सेक्शन 45। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को भी सेक्शन 45 के अंदर जो फाइनल रिटर्न दी गई है उसे फाइल कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को देखना होगा सेक्शन 39 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है और वहां पे किनको लाइबिलिटी दी गई है जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ सेक्शन 39 का सबसेक्शन 1 जो की बात करता है रिटर्न फर्निशिंग के ऊपर। यहां बताया गया एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 और सेक्शन 51 और सेक्शन 52 शैल फॉर एवरी कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फर्निश इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड टैक्स पेएबल टैक्स पेड एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड ऑन और बिफोर द 20th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 बात करता है हर एक रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन में से उसको एक्सक्लूड किया गया है। किसको किसको एक्सक्लूड किया जाता है? अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब अगर आप एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंदर फाइल नहीं करनी। दूसरे कैटेगरी के पर्सन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी आपको जो रिटर्न फाइल करनी है सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंदर नहीं फाइल करना। और अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10, मतलब अगर आप ऐसे पर्सन है जो कि टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट बात करता है कॉम्पोजिशन लेवी की। वो पर्सन जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के रूप में रजिस्टर्ड हैं, उनको भी सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंदर जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करना।
सेक्शन 51 और सेक्शन 52। सेक्शन 51 पर्सन वो हो गए जिनको टीडीएस काट के टीडीएस जमा करना है और उसकी रिटर्न जो है जीएसटीआर 7 के अंदर दाखिल करनी होती है। सिमिलरली सेक्शन 52 पर्सन वो होते हैं जिनको टीसीएस कलेक्ट करके टीसीएस जमा करना होता है और जीएसटीआर 8 का जो रिटर्न है वो दाखिल करना होता है। तो इन पांच कैटेगरीज के लोगों को छोड़ के बाकी जो पर्सन बचते हैं उनको सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंदर अपनी रिटर्न डालनी होती है, जिसमें उनको अपना इनवर्ड सप्लाई, अपना आउटवर्ड सप्लाई, अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, टैक्स पेएबल, टैक्स पेड और जो भी डिटेल्स डालनी है डालनी है। तो इनके अलावा कौन से पर्सन हैं जो कि ये काम करेंगे, मतलब जो रेगुलर डीलर्स हैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं एज अ रेगुलर डीलर, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंदर जो है रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल किया गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि कॉम्पोजिशन को फिर कब रिटर्न फाइल करना होता है। कॉम्पोजिशन के लिए जो रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन है वो है सेक्शन 39 का सब सेक्शन 2। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से बार लेकर के चलता हूँ पीछे। यहाँ पर बताया गया एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। सेक्शन 45 के अंदर सिर्फ उन्हें ही रिटर्न फाइल करना है जो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 के अंदर लायबल है। मतलब कॉम्पोजिशन जो है वो सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के लिए लायबल नहीं है, इसीलिए वो सेक्शन 45 के लिए भी लायबल नहीं होगा। और जब सेक्शन 45 के लिए लायबल नहीं होगा तो अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और आपने अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कराया है या आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है तो आपको जीएसटीआर 10 इनफॉर्म फाइनल रिटर्न फाइल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये वाला फॉर्म ही एप्लीकेबल नहीं होता है। तो काफी लोगों की ये क्वेरीज आती है कि जीएसटीआर 10 अगर हम लोग कॉम्पोजिशन के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो क्या करना है, भरना है या नहीं भरना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि जीएसटीआर 10 जो है सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिटर्न के रूप में रेगुलर डीलर वालों को ही फाइल करना है। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि जो फॉर्म है हमारे पास जीएसटीआर 10 का उसके अंदर क्या डिटेल्स जो है वो मांगी गई है। यहाँ पे मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है फॉर्म जीएसटीआर 10 जो कि रूल 81 फाइनल रिटर्न के नाम से जाना जाता है। इसमें जो आपको डिटेल्स यहाँ पे मांगा गया है वो जीएसटी नंबर है, लीगल नेम है, ट्रेड नेम है, एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस है एंड इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस और द डेट फ्रॉम विच द रजिस्ट्रेशन इज टू बी कैंसिल्ड। मतलब जिस दिन से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उस दिन का डेट यहाँ देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान ये रखनी है कि जिस दिन आपका डेट ऑफ कैंसिलेशन है या कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया, दोनों में से जो डेट बाद में है उस डेट से लेके अगले 3 महीने के अंदर आपको ये रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अगर आप एक रेगुलर डीलर थे। रेफरेंस नंबर ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, ये सारी चीजें इसमें भरने के बाद आपको डिटेल्स ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक्स, इनपुट कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड एंड पेड बैक टू द गवर्नमेंट। मतलब जो भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है जिससे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है और वो आपको रिवर्स करना है, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी होती है, जहाँ पे आपको जीएसटी नंबर, इनवॉइस का डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ इनपुट जो भी आपके पास पड़ा हुआ है ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन, उसका यूनिट क्वांटिटी कोड कितने क्वांटिटी में है, क्या वैल्यू है और उसमें कितना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट या टैक्स पेएबल बनता है, दोनों में से जो हायर अमाउंट है, वो सारी चीजें डिक्लेयर करते हुए ये वाला रिटर्न जो है आपको फाइल करना है और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसको आप कॉलम नंबर 9 के अंदर टैक्स पेएबल एंड पेड के कॉलम में यहाँ पर ITC रिवर्सल के रूप में या फिर टैक्स पेएबल के रूप में डिक्लेयर करके अपना रिटर्न जो है कैश लेजर और क्रेडिट लेजर से पे करते हैं। तो ये फॉर्म GSTR 10 जो है काफी इंपॉर्टेंट है समझना, जिनका भी जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है और उनको फाइल करने के लिए 3 महीने का जो मोहलत है वो दिया जाता है और उसके बाद जो है वो लेट फी ₹100 CGST और ₹100 SGST के रूप में आपसे वसूली जा सकती है अगर आप ये रिटर्न जो है समय पर फाइल नहीं करते। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि GSTR 10 कंपोजिशन को फाइल करना है या नहीं करना है और अगर नहीं करना है तो किसे फाइल करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली और इंस्टेंटली पहुंचती रहे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।